मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद की समस्या का निस्तारण कराने के लिए एक युवती अपनी मां के साथ तहसील जानसठ पहुंची, लेकिन उसकी समस्या का निस्तारण होने की बजाय उसके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। पीड़ित युवती ने जानसठ तहसीलदार के कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी पर यौन शोषण करने का आरोप लगा दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी कर्मचारी लगातार उसे फोन कर परेशान कर उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। यौन शोषण किया जा रहा है लगातार। किसके द्वारा किया जा रहा है? हरबीर। कौन है ये हरबीर? ये जानसठ तहसील में चपरासी है। क्या मामला, मामला क्या है पूरा? वहाँ पे मेरी मम्मी का नाम रजिस्टर्ड वसीयत करके गए है मेरे पापा जी, मैं उसकी पैरोकारी करती हूँ और वो उसी का फायदा उठा के है ना मेरे साथ बदतमीजी और यौन शोषण कर रहा है। कितना टाइम हो गया? ये 2 साल हो गए। आपने अपने घर वालों को बताया? हाँ जी। पुलिस में शिकायत की? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है। जब आप पुलिस में गई ही नहीं। क्षेत्र का मामला है ये जो हरबीर है, ये तो जान सकता है, मेरा है कपरौली थाने का। अभी कहाँ आई हो आप? डीएम ऑफिस। क्या बात हुई डीएम साहब से? डीएम साहब से इन्होंने जो है कानूनी कार्रवाई करने की आदेश दिए हैं। आप पे क्या सबूत है उसके? रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ऑडियो। ऑडियो रिकॉर्डिंग जी। किस तरह की बात है? वही कि आप मेरा काम करो, मेरे से शारीरिक संबंध बनाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा काम कराऊंगा, जो मैं तहसीलदार को बोलूंगा वो करेंगे। 2 साल से चल रहा है। हाँ जी। अब आपको क्या भरोसा मिला यहाँ से? बस जी, ये तो डीएम साहब तो यही कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा। हाँ जी। संतुष्ट है आप आज यहाँ? हाँ जी हाँ, संतुष्ट है। वहाँ ठीक है। प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं संबंधित अपराधों को लेकर बेहद गंभीर है और विभिन्न योजनाओं एवं हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण किए जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील में कार्यरत एक कर्मचारी की महिला से फोन पर शारीरिक संबंध बनाने की बात करना गलत है। वायरल ऑडियो में तहसील कर्मचारी जानसठ तहसील के कई अधिकारियों का जिक्र करते हुए कह रहा है कि वो उन्हें लाखों रुपए हर महीने कमवाता है। और गन्नों का तो काम मेरा निमट ही जाएगा। नहीं रे, लंबी प्रक्रिया ना बताओ मुझे, दिनों में बात करो, महीनों में बात ना करो। उस दिन से जिस दिन तुम वो मुझे जो है, आप क्या कह रहे थे पहले वो बताओ। पहले क्या? अभी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ तो मैं बता रहा, जिस दिन तुम मेरा काम करोगे जी, उसके बाद गति पकड़ जाएगी है? उसके बाद गति पकड़ जाएगा काम तहसीलदार के यहाँ। दो दो दिन की तारीख रुकवा दूंगा, तीन तीन दिन की। इतना अधिकार है तहसीलदार पर जितना मुझे नायब तहसीलदार पर है। नायब तहसीलदार मेरा ऐसा है कि अगर मैं उसे 12 बजे कह दूं ना आगे मगर यहाँ जाओ, वो वहीं आ लेगा। सही है, अगर तहसील में किसी से पूछिए, अगर किसी से साइन करता है तो वीर है, जिसके कागज पर साइन नहीं करता, नहीं किसी कागज पर साइन नहीं करता। वादा तो बहुत पहला कर लिया था, बिल्कुल नहीं तोड़ने का वादा। तो मैं रात के 12 बजे कर लूंगा, 100% करूंगा, नाम चढ़ेगी। रही बात गति काम को गति पकड़ने की, सुनो रही बात काम को गति पकड़ने की है ना, वो तो बताया मैंने। दिनों की बात करो, महीनों की ना करो मेरे से। और उसके बाद तुम गति देखियो काम की। अच्छा छोड़ दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या क्या कहा? मंडे संडे का नहीं मुझे पता, समय टाइम तो मेरा होगा ना। मुझे इतनी फुर्सत थोड़ा है मुझे कि मैं एकदम से कहीं चल दो कहीं आ जाऊँ। तो सुबह 8 बजे आता, 8 साढ़े 8 बजे आता है, अभी 9 बजे जाता है, 9 साढ़े 9 10 बजे। ठीक है, छुट्टी दुनिया को मिलती, छुट्टी दुनिया को, सुनो छुट्टी दुनिया को दिलवा दे, लेकिन अगली छुट्टी नहीं मिलती। अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण की जांच भी बैठा दी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कर्मचारी को किसका संरक्षण प्राप्त है जिससे इसके हौसले इतने बुलंद हैं?
इस पूरे प्रकरण में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, एसडीएम जानसठ से इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी आप लोगों के द्वारा ही मेरे संज्ञान में डाला गया तो संबंधित एसडीएम जानसठ है उनके माध्यम से इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी और जो ही इसमें दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई हो सकती है। सर फोन पे जो बातचीत हुई है उसमें वो कह रहा है कि कुछ आला अधिकारियों के भी नाम ले रहा है कि उन लोगों के अच्छा कमा कर देता है और इस पर की बात होगी, उसकी भी जांच होगी, अगर तथ्यों की पुष्टि होगी तो उसमें।